तो दोस्तों देख सकते हैं भोजन सब बन चुका है, खाना दाना और ये देख सकते हैं हमारी दीदी जी आग जल नहीं रहा है और खाना बनाने की तैयारी, सब्जी कट रही है। वहाँ पे भाभी जी मस्त हैं, भैया हैं, सब लोग हैं। देखिए भैया जी आशीर्वाद ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे आप? उम्मीद करता अच्छा। सबसे पहले आप लोग का नमस्ते करें दोस्तों को, देखिए नहा धोकर हम लोग रेडी हो चुके हैं मुंडन के लिए। इधर मम्मी जी भैया जी, नमस्ते मम्मी जी। खुश रहो, खुश रहो। नमस्ते भैया, राधे राधे। बच्चों आप लोग कैसे हैं? हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे हैं? प्यारी प्यारी बिटिया बहू कैसी हैं? पूरा दर्शक कैसे हैं? सब दर्शक प्यारी प्यारी बिटिया बहू के मांग में सुहाग भरा रहा, गोद में बाबू खेल रहा है, सबको लिए दिन दुगुना रात चौगुना। दोस्तों अभी देखिए हम लोग सब लोग रेडी हो चुके हैं, भाभी जी ऊपर जाकर रेडी हो रही है अपने रूम में। इधर देखिए इतना सारा सामान हम लोग धुल उड़ कर रख दिए। इधर देखिए, इधर देखिए हमारे प्यारे सास बहन जी अभी काम कर रहे हैं। नमस्ते जी। कुछ रहे, हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों अभी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है मुंडन की और सामान मना भैया जी को भूख लग चुका है सुबह सुबह, जल्दी से इनको बनाइए नहीं तो भूख लग गया। आलू उबाल दिए हैं, आलू उबाल दिए, आलू बस खाएंगे। दीदी उधर देख के भैया जी को डर गई, भाग गई बेचारी। दाल बस सब्जी खाएंगे भैया जी। इधर सब रेडी वेडी हो चुका है। देखिए इतना से ढेर सारा मार्केट करके आया भांजी का मुड़न है। दोस्तों देख सकते हैं मम्मी जी पकड़ी हैं, क्या क्या पकड़ी हैं देख सकते हैं। यहाँ आलू ढेर सारा आया, भैया बैठे हैं, इधर भाभी जी हैं। क्या बोल रही है मम्मी जी? रागिनी के जो बच्ची है भांजी, उसका मुंडन है। हमारे प्यारी प्यारी बिटिया बहू, पूरा दर्शक, नन्हे मुन्ने बच्चे, खाने चले आइए आप लोग के लिए। क्या बोल रही है? हाँ हाँ, गोल लगिएगा। देखिए दोस्तों इतना ढेर सारा हमारे केट होकर आया है और मुंडन में होगा, मजा आने वाला है। सुबह सुबह अंगिरा जी झाड़ू लगा रही हैं, पूरा लिपाई की थी, कितना मस्त लग रहा है। देखिए दोस्तों क्या झाड़ू लगा रहे हैं और नहा देकर रेडी हो गए दोस्तों। आप देख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा हम कैसा लग रहे हैं। दोस्तों पूरा घर अभी मस्त लग रहा है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने झाड़ू किए ना, हाँ हाँ, इसलिए। और पूरा देखिए उधर अंडा अंडा सब कुछ सब धुल के रख दिए हैं हम लोग मिलकर, सब इधर सब धुलाई हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आलू गरम स्टार्ट हो चुका है और देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी जी अंगिरा जी मिल के लोग और आलू और देख सकते हैं दोस्तों अंडा में चढ़ चुका है आलू के उबालने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मस्त बना चुकी है, सब्जी बनाया है, इसमें चावल बना है दोस्तों, और बहुत सारा काम करना है। अभी जाएंगे हम लोग प्रसाद पूजने के लिए ना, गैस को पोछ रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं अंगिरा जी पोछ रही हैं, भैया इधर खड़े हैं। प्रसाद वरसाद बनेगा दोस्तों, चूल्हे पे भी बनता है, उधर भी काम चालू है और यहाँ पे भी चालू जा रहा है प्रसाद। मम्मी जी भैया जी मिलके लोग भूज रहे हैं। मम्मी जी बोलिएगा कुछ। हमारे प्यारी प्यारी बिटिया बहू, नन्हे मुन्ने बच्चे, कितना अच्छा हम खूब लाल के भूज दिए हैं प्रसाद आप लोग के खाने के लिए, चले आइए खा लीजिए। भैया जी कह रहे हैं खा लीजिए, पूछेगा मम्मी नेपाल नहीं भगेंगे? नेपाल नहीं भगेंगे, हाँ प्रसाद खा लीजिएगा। दोस्तों इधर देखिए रंग उंग बनाई हो रही है, दादाजी मस्त खाना खा रहे हैं और यहाँ पे अंगिरा जी सबके लिए निकाल रही हैं खाना। यहाँ पे चल रही है मम्मी जी की गोल रंगाई, एकदम मस्त देख सकते हैं दोस्तों। मम्मी जी इधर काम भी कर रही हैं और गोल भी रंगवा रही हैं, नहीं हाँ। जल्दी जल्दी ताकि सारा काम हो जाए, फुर्सत ना मिले का कर लिया। अंगिरा जी आप आज बहुत बिजी लग रही हैं, खाना खिला रहे हैं सबको, खाना खिला रही हैं, आग हाँ। जल नहीं रहा और खाना बनाने की तैयारी। देखिए भैया गाली दे रहा है, देखिए रुक जाए। प्रसाद दोस्तों रेडी कर दी हैं और यहाँ पे नाम दे दिया है, भाभी जी का पैर रंगा रहा देख सकते हैं, पूरा अच्छे तरीके से रंगवा रही है, मॉडल बन रहा है। घर पे चूल्हा जल गया, मतलब आग लग गया, आग जल चुका है दोस्तों। मम्मी जी भंडारी बन चुकी हैं, खाना बनाएंगी। यहाँ पे देखिए मम्मी जी भी आटा क्या बोले मार रही हैं और यहाँ पे के लिए। क्या हुआ? कढ़ाई चढ़ाने के लिए देख तो देख सकते हैं। और यहाँ पे सब्जी कट रही है, वहाँ पे भाभी जी मस्त हैं, भैया हैं, सब लोग हैं। देखिए भैया जी आशीर्वाद ले रहे हैं, मम्मी जी आई हैं, सारी चीज रेडी हो चुका है और भैया ने सबको पैसा दे रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे भैया जी दिए हैं गिरा जी को और भैया लिए हैं बाल में डालने, भाभी जी को भी दिया है, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे सब्जी वब्जी दोस्तों कट रही है, देख सकते हैं मस्त सब्जी कट रही है मम्मी। वहाँ पे माता जी के दरबार में ले जाने के लिए सब सजा दिए हैं, कढ़ाई चढ़ाने के लिए। देखिए दोस्तों भैया पैसा देकर मांग रहे हैं, एक अंधी चीज है भैया जी, नहीं काम कर रहे हैं हमारे साथ, लीजिए
तो देख सकते हैं सारी की तैयारी पूरी हो चुकी है, सब लोग जा रहे हैं मंदिर पे और जा रहे हैं हम लोग सब लोग लेकर मंदिर पे, सब लोग तैयार हो सके, भाभी जी भी हो गई रेडी और हम लोग सब लोग जा रहे हैं। दोस्तों भैया देखिए डिब्बा रख लिए हैं कपाड़े पर, अभी हम लोग मंदिर के लिए निकल चुके हैं। मम्मी जी दौरा उरा उठा ली है, देखिए निकल चुकी है, कहे हमें दीजिए, कह रही है गिर जाएगा। नहीं मम्मी जी, इधर अंगिरा जी आ रही है, आइए चलो जी जल्दी जल्दी, भाभी अभी पीछे है। हम लोग मंदिर पे आ चुके हैं और मम्मी जी यहाँ पे देखिए अभी आग जला रही हैं कढ़ाई चढ़ाने के लिए। देखिए यहाँ पे अभी सब लोग मंदिर पे आ चुके हैं, बाकी बहुत लोग रिलेशन के लोग आए हैं, सब लोग हैं यहाँ पे देख सकते हैं। दादाजी बेचारे बैठे हैं, दादाजी बैठ के आराम करें इधर। आप देख सकते हैं अभी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे देखिए सब बन चुका है, बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं यहाँ पे, भैया जी हैं। दोस्तों माता जी का दर्शन आप लोग को करा रहा हूँ बहुत दिनों के बाद माता जी का। दोस्तों देख सकते हैं हमारे यहाँ काली जी का मंदिर, आप लोग दर्शन कर सकते हैं, यहीं पर कढ़ाई चढ़ता है दोस्तों, बहुत ही प्यारा मंदिर है। प्रणाम बाबा जी। वगैरह हो चुका, अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, वहाँ पे देखिए खाना वाना की तैयारी हो। देखिए बाबा जी कुत्ता, छोटा सा पार्टी है और छोटा सा पार्टी में देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे सब्जी वब्जी रेडी हो रहे हैं। मस्त भैया जी काफी हार्ड स्ट्रगल कर रहे हैं दोस्तों, और बारिश वाला मौसम मजा आ रहा है ना आपको? मजा आ रहा है भैया को? बहुत मजे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए आलू उबाला गया है और यहाँ परोरा वरोरा उबाल के रखा गया है। बाबा जी का आशीर्वाद लिए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं भोजन सब बन चुका है, खाना दाना, और ये देख सकते हैं हमारी दीदी जी आई हैं, वो मतलब कढ़ाई में का खाना बन ये सब बना हुआ नहीं खाती हैं, क्योंकि यहाँ पे अंगिरा जी पूरी बना रहे हैं अलग, अंगिरा जी अलग बना रही हैं, क्योंकि ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अंगिरा जी का हालत खराब हो चुका है, घर द्वार देखिए किस तरीके से हो चुका है, और देखिए बहनी का मुंडन खत्म हो चुका है। इधर आइए अंगिरा जी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा मुंडन हो गया था घर पे, और दोस्तों बहुत हालत मेरा ख़राब हो गया था, इसलिए ब्लॉगिंग भी उतना अच्छे तरीके से नहीं आया था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं ब्लॉग किस तरीके से बनाता हूँ, एकदम अच्छा लगता है दोस्तों, एकदम मस्त लगता है। अभी मेरा कान का हालत देख सकते हैं दोस्तों, कान की हालत है दोस्तों एकदम बिल्कुल बहुत गंदा हो चुकी है, एकदम ऑपरेशन इंस्टेंट बोल दिए डॉक्टर साहब। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा रिपोर्ट उपोर्ट सारा यहाँ पर निकलवा दिया हूँ दोस्तों, और मैं आप लोग को बता रहा 10 दिन का मेरा दवा चलेगा, इसलिए मैं गोरखपुर आया था, ब्लॉग पर ध्यान नहीं देता, 10 दिन के बाद मेरे कान का ऑपरेशन होगा, क्योंकि जो अंदर का ना दोस्तों पर्दी पूरी अच्छी पर्दी पूरा सड़ गई है दोस्तों, मैंने वो डिस्प्ले में दिखाते हैं लोग ना, मैंने देखा, उसके बाद यही सब दिक्कत के कारण मैं वीडियो नहीं आ रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं क्या हाल हुआ है, सब रिपोर्ट वगैरह है दोस्तों, क्या बताएं आप लोग, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, और मेरे हस्बैंड जी का तो बहुत ऑपरेशन कराना पड़ेगा उनका, और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग को पता है हम लोग बच्चे के लिए परेशान थे, और कान को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं दोस्तों, इसलिए हम लोग डेली ब्लॉग नहीं डाल पाते हैं दोस्तों। आप लोग हम लोग का सपोर्ट करिए, मेरा कुछ भी कहने का मन नहीं करा क्या करें। तो दोस्तों यही सब बातें हैं, इधर दवा ववा पूरा चल रही है, यहाँ पे रिपोर्ट भी दोस्तों देख ही सकते हैं आप लोग, एकदम पूरा खून वून ब्लड व्लड सब चेक हुआ था, इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। और क्या बताएं दोस्तों, यही सब बातें हैं, बाकी घर का मुंडन वगैरह भी अच्छे तरीके से बीत गया, हमारा वीडियो नहीं आ रहा था, दिक्कत ये है वीडियो भी नहीं दोस्तों अभी आएगा ढंग तरीके से, जब तक मैं स्वस्थ नहीं हो जाऊँगा, अच्छे तरीके से नहीं हो जाऊँगा वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि कान का पेट का दर्द आप लोग समझ सकते हैं कि कितना गंदा दर्द होता है भाई, क्या मैं आप लोग को बताऊँ भाई, मैंने मतलब जिस तरीके से ना ये दर्द देख कर दोस्तों हो रहा था ना, क्या बताऊँ। और तो यही सब दिक्कत है, इसलिए वीडियो मेरा रेगुलर नहीं आ पा रहा था, सच्चाई में बता दिया हूँ, नहीं बताना चाहता था कैमरा पे कि घर वाले ये सब अंगिरा वगैरह लोग घबरा जाएंगे, क्योंकि मेरा बचपन से ही काम वगैरह दोस्तों बहता था, बहुत तगड़ा बहता था भाई, तो बचपन से ही दिक्कत था, तो मैं किसी को नहीं बताता था, दवा खा के एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यार अगर आप लोग के भी साथ कुछ ऐसा हो ना, तो इंस्टेंट आप लोग चेक करवा लीजिएगा, नहीं तो मेरे जैसा परेशानी होगा, मैंने गाँव वगैरह में दवा खा कर अच्छे से कर ले रहा था भाई, पता ना भाई ऐसा तबीयत खराब हुआ तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोग, कहते हैं अच्छा लगा हो तो लाइक किया, दूसरा सपोर्ट दीजिए, बस भगवान से प्रेयर करिए कि सब कुछ अपना स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, 10 दिन के बाद सब कामें कराना है घर पे, मम्मी को भी नहीं पता, वो जानेंगी तो घबरा जाएंगी, मम्मी आएंगी तभी तो होगा दोस्तों, क्योंकि समझ सकते हैं माँ को रहना बहुत ज़रूरी है। और भाई कल से ना मेरा जब से रिपोर्ट देखा ना भाई, मेरा बोलते हैं ना मतलब कुछ बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि मैंने लाइव देखा भाई डिस्प्ले पर, इतना हालत गंदी हो गई थी ना, डॉक्टर बोला था कि तुम्हें सुनाई कैसे दे रहा, ये तो प्रभु जी का कृपा है।
और आप लोग का प्यार दुलार तो बस जल्दी ऑपरेशन होगा दोस्तों, स्वस्थ हो जाएंगे फिर अच्छे तरीके से मिलेंगे। एंड आप लोग भाई को भूलिएगा नहीं, क्या बोलूँ आप, नमी हुई है लेकिन रोऊंगा नहीं क्योंकि दिल छोटा नहीं करूँगा, लड़ रहा हूँ, बस प्यार दुलार सपोर्ट करिएगा।